हरियाणा की हार का शोर, कांग्रेस का भाव कमजोर। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और भारत की बात में हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से 15-16 दिन पहले तक कांग्रेस का सियासी सेंसेक्स हाई था, लेकिन 8 अक्टूबर को हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए उसने मानो कांग्रेस के पॉलिटिकल कैलेंडर को सरेंडर मोड में ला दिया। बीते 24 घंटे की दो तस्वीरें कांग्रेस के सरेंडर की पूरी पिक्चर क्लियर कर रही हैं। पहले एक रिपोर्ट से शुरू करते हैं, फिर विस्तार से विश्लेषण भी करेंगे। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में मंच सजा था। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे कुर्सियों पर विराजमान हुए और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए सभी 9 सीट छोड़ने का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से हाथ खड़ी करने वाली कांग्रेस ने अब फैसले के पक्ष में जो दलीलें दी वो भी कम हैरान करने वाली नहीं। कहा कि अपने उम्मीदवार उतार दे तो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ इंडिया गठबंधन की लड़ाई कमजोर होती। ये पूरी तरीके से सरकार जंगल राज पे काम कर रही है, इसका जवाब देने के लिए पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट खड़ा। लेकिन कांग्रेस को चुनाव लड़ने में दिक्कत क्या थी? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है, हम सब लोग एकजुटता के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन आज जो स्थितियां बनी है उसमें मजबूती के साथ खड़ा है। ये कांग्रेस के सरेंडर शो का चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 20 घंटे पहले मुंबई से रिलीज हो चुका था जब महाविकास अघाड़ी ने सीट बंटवारे के फॉर्मूले का ऐलान किया था। ने निश्चित किया कि 85 85 85 270 का एकमत हमने किया है सीट के ऊपर और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी। और इसी के साथ कांग्रेस जो महाविकास अघाड़ी की सबसे बड़ी पार्टी है, लोकसभा से महाराष्ट्र विधानसभा तक गठबंधन की सभी पार्टियों के मुकाबले जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, वो सीट बंटवारे के मामले में सबके साथ एक ही पायदान पर खड़ी हो गई। इस बात पर विरोधी मजे ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को दबाने, कमजोर करने के लिए एक पूरा षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी को एक टूटी हुई शिवसेना उबाठा अपने बराबर लाके खड़ी कर। जिस प्रकार से सीट शेयरिंग घोषणा की गई है उसमें तीनों में से कोई सत्ता में आने की स्थिति में। एक दूसरे से करीब 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली और मुंबई से 20 घंटे के भीतर जो दो तस्वीरें सामने आई उनका मैसेज एक है, यूपी से महाराष्ट्र तक कांग्रेस सरेंडर मोड में दिखाई दे रही है। सहयोगियों के आगे कांग्रेस के आत्मसमर्पण का मुंबई में एक और प्रमाण दिखा जब मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ पार्टी नेता और मलाड से विधायक असलम शेख के साथ उद्धव ठाकरे से मिलने उनके घर चली गई। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें उसी मुलाकात के बाद की हैं, जब वर्षा गायकवाड़ उद्धव ठाकरे के घर से बाहर निकल रही थीं। हमारी टीम को पता चला कि वर्षा गायकवाड़ उद्धव ठाकरे से बांद्रा ईस्ट, भाईखला और धारावी की सीट मांगने पहुंची थीं, जिन्हें उद्धव छोड़ने को तैयार नहीं है। खास बात यह, इस बार सीट शेयरिंग के मामले में कांग्रेस पर सबसे तीखे हमले भी उद्धव ठाकरे की पार्टी ने ही किए थे। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई की क्षमता पर सवाल तक उठा दिए गए थे, लेकिन अब सबसे ज्यादा खुशी भी वही दिखाई दे रही है। हम आपको आदित्य ठाकरे की बात सुनवाते हैं। We are about to form government in Maharashtra and that is for sure. It is important is Mahavikas Aghadi will win. हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो महाराष्ट्र की अस्मिता की है, वो लड़ेंगे। तो आपने सुना आदित्य ठाकरे को। अब देखिए सवाल कई हैं। सवाल तो अब ये भी है कि हम आखिर कांग्रेस के सरेंडर मोड में जाने की बात क्यों कर रहे हैं। उसे समझने के लिए सबसे पहले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को आपको समझना होगा और उसके लिए मैं आपको इस स्क्रीन पर ले आया हूं। ये जो बड़ी स्क्रीन आपको नजर आ रही है, इन आंकड़ों पर जरा गौर फरमाइएगा। 2024 यानी इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, 48 लोकसभा सीट वाले महाराष्ट्र में। अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस ने 13, शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उसने 9 और शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटें जीती थी। अब एनडीए की बात करें तो बीजेपी ने 9, शिंदे की शिवसेना ने 7 और अजित पवार की एनसीपी ने 1 सीट जीती थी, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। इन नतीजों से उत्साहित कांग्रेस आक्रामक तेवर दिखा रही थी। महाराष्ट्र में वो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा थी, लेकिन खुद को बड़ा भाई मानकर 105 से 110 सीटें मांग रही थी, उस पर दावा ठोक रही थी। हरियाणा में उसके तेवर और कड़े थे।
उसने आम आदमी पार्टी का गठबंधन का प्रस्ताव ठुकरा दिया, अकेले चुनाव लड़ा, सरकार बनाने की तैयारी तक शुरू हो गई थी, लेकिन जब नतीजे आए तो पासा ही पलट गया और इसके बाद से ही कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हिलने लगा, उसका गणित गड़बड़ाने लगा। यूपी उपचुनाव में वो समाजवादी पार्टी से 9 में से 5 सीट मांग रही थी, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, महागठबंधन में होने के बावजूद उसे एक भी सीट नहीं मिली। वैसे यहां वो दावा भी नहीं कर रही थी। अब अगर झारखंड की बात कर लें, बिहार के बाद झारखंड में कांग्रेस पिछली बार 31 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन इस बार जेएमएम उसे 27 सीट पर समेटने की तैयारी में है और महाराष्ट्र में वो 110 पर दावा कर रही थी, लेकिन उसे शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बराबर 85 सीटों पर संतोष करना पड़ा। अब देखिए, ये तो सच है कि कांग्रेस महाराष्ट्र की सत्ता से पिछले 10 सालों से बाहर है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब नहीं रहा। जितनी कम सीट इस बार लड़ रही है उतनी कम सीट पर पहले कभी नहीं लड़ी। 2019 में कांग्रेस 147 सीट पर लड़ी और 44 सीट पर जीती। 2014 में 287 सीट पर लड़कर 42 सीटें जीती थी। और हैरत की बात तो ये कि महाराष्ट्र में इस बार सहयोगियों ने कांग्रेस को पहले तो 85 सीटों पर समेटा और अब बिना नाम लिए जो कुछ कह रहे हैं उसे आप कांग्रेस को दिया जा रहा दिलासा ही कह सकते हैं। मसला सीटों का नहीं है, जो जीतेगा उसको सीट है। देखो, सेंचुरी के नजदीक हम आए, अब 2-4 सिक्सर मार देंगे, 85 तक पहुंच गए ना, और अभी तक खेल रुका नहीं है, मैच खत्म नहीं हुए। हालांकि इतना कुछ होने के बाद भी कांग्रेस के पास बिग ब्रदर बनने का मौका बाकी है। इसकी वजह है वो 15 सीटें जिन पर महाविकास अघाड़ी में अभी बातचीत चल रही है। अगर कांग्रेस इनमें से कम 6 सीट भी लेने में सफल हो गई तो वो गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली पार्टी बनकर खुद को बड़ा भाई कह सकती है। अब जहां तक सीटों के बंटवारे का विवाद है तो उससे महायुति यानी एनडीए भी महाराष्ट्र में अछूता नहीं। आज दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक हुई, कई मुद्दों पर सहमति बनी और यह तय हुआ कि अगली बैठक मुंबई में होगी और फिर उसके बाद उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी होगी। दोपहर करीब 2:30 बजे का वक्त था जब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे थे। गृह मंत्री के घर पर महायुति के नेताओं की बैठक करीब 3 घंटे से ज्यादा समय तक चली। इस बैठक में एकनाथ शिंदे से लेकर अजित पवार तक शामिल हुए। महाराष्ट्र में नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन महायुति यानी सत्ताधारी गठबंधन ने अब तक सभी सीटों पर न तो उम्मीदवारों का ऐलान किया है और न ही कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी ये तय किया है। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में एक एक सीट पर तीनों दलों के नेताओं के साथ विस्तार से चर्चा हुई। हर सीट को जीतने के लिए रणनीति बनाई गई। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को मनाने की रणनीति पर भी बात हुई। जिस वक्त दिल्ली में तीनों दलों के नेता मीटिंग कर रहे थे उस वक्त मुंबई में अजित पवार के एनसीपी के अध्यक्ष समीर भुजबल, जो कि छगन भुजबल के भतीजे हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। समीर भुजबल जिस नांदगांव सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सीट शिवसेना के खाते में है। नाराज समीर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इन सब के बीच महायुति को सत्ता में वापस लाने के लिए पीएम के प्रचार का प्लान तय हो गया है। 5 नवंबर को पीएम चुनावी रैली शुरू करेंगे। पहले राउंड में 14 नवंबर तक अलग अलग इलाकों में रैलियां करेंगे। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, 48 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित करने वाली है। 48 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं और बहुत जल्द कांग्रेस की यह लिस्ट आने वाली है। और देखिए, चुनाव यूपी में भी हो रहा है। हालांकि यहां सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग होनी है, लेकिन इसका सियासी शोर राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दे रहा है। कांग्रेस मैदान छोड़ चुकी है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अपने सियासी पहलवान तय कर लिए हैं। उधर निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने कल सुबह 7 बजे कोर कमेटी की बैठक बुला ली है। बाय इलेक्शंस में निषाद पार्टी 2 सीट मांग रही थी, लेकिन एक भी सीट नहीं दी गई। माना यह जा रहा है कि कल बैठक में संजय निषाद पार्टी पदाधिकारियों से चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, बीजेपी का साथ देने का ऐलान करेंगे। 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी।
यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए अब सियासी बिसात बिछ चुकी है। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने सभी 9 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही सूरमा मैदान में कूच कर चुके हैं। आर पार की जंग का शंखनाद हो चुका है। समाजवादी पार्टी और इसके साथ ही शुरू हो गई है जीत की दावेदारी। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का सभी विधानसभा उपचुनावों में भाजपा को योगी जी को आशीर्वाद मिलेगा। सभी प्रत्याशी हमारी 9 के 9 सीटों पर विजय सिद्ध करेंगे और हम 9 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। सबसे दिलचस्प मुकाबला मैनपुरी के करहल में होगा, जहां समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप सिंह यादव के खिलाफ उनके फूफा अनुदेश यादव को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। नहीं, भाजपा और सपा के बीच में लड़ाई फूफा भतीजे की नहीं। आर पार का मुकाबला मुरादाबाद के कुंदरकी में ही होना है, जहां 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। मुकाबला तो सेकंड नंबर पे भाजपा ही रहती है हमेशा और अभी सेकंड नंबर पे वही रहेगी भाजपा ही। जनता का मन उनसे उब चुका है और इस बार तो मुस्लिम आवाम ने यह तय कर दिया है कि यहां कमल खिलेगा। प्रयागराज की फूलपुर सीट हो या गाजियाबाद सदर सीट या फिर अलीगढ़ की खैर, हर जगह उम्मीदवारों ने पूरा जोर लगा दिया है। देखिए, इंडिया गठबंधन ने एक जो माहौल बनाया था लोकसभा के चुनाव में लोगों को बरगलाने का, आज वो गुब्बारा फूट चुका है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी पार्टी की कोई टक्कर है। समाजवादी पार्टी को भी अभी कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, कांग्रेस ने हाथ ही उठा दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कठिनाई सीट पर रहेगी। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं, जहां मीरापुर सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सुंबुल राणा नामांकन के लिए पहुंची। सुंबुल पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू और बीएसपी नेता मुनकाद अली की बेटी हैं। सुंबुल पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हैं। 9 में से हर सीट बेहद खास है, इसलिए यहां के मुकाबले पर देश भर की निगाहें टिकी हैं। प्रियंका गांधी ने कल वायनाड से नामांकन किया, इसकी पूरी कहानी कल ही हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन इस कहानी का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर रात से वायरल किया जा रहा है और दावा यह किया जा रहा है कि नामांकन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे को कमरे से बाहर कर दिया गया, दरवाजे से झांकने वाली उनकी तस्वीर भी वायरल है। लेकिन सच क्या है, आज भारत की बात में पूरा भारत देखेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे से झांकते नजर आए तो बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का नया मुद्दा मिल गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आप खड़गे हैं लेकिन घर के नहीं हैं। खड़गे का नाम लेकर घर वाला तंज इस वजह से किया गया क्योंकि वायनाड में नामांकन के दौरान प्रियंका के आसपास उनके घर के लोग ही नजर आ रहे थे। बीजेपी ने मुद्दे को विस्तार दिया और हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गई। मुद्दा घूमकर दलित वाले एंगल पर जा पहुंचा। जिस कमरे में नामांकन हो रहा था उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया जाए और एक व्यक्ति झांक रहा हो पीछे से, और वो व्यक्ति कोई और नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, जो दलित समाज से आता है, पिछड़े समाज से आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। राजनीति में छोटे छोटे वीडियो क्लिप बड़े विवाद की वजह बन जाते हैं। हालांकि विवाद उठते ही फौरन कांग्रेस की सफाई आ गई और नियम का हवाला दिया जाने लगा। 22 सीढ़ियां चढ़कर जानी होती थी, तो जो लोग पहले पहुंचे वो सीढ़ियों से चढ़ के चले गए और अध्यक्ष जी बाद में पहुंचे, कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। तब तक शायद अंदर 5 लोग ऑलरेडी मौजूद थे। दरवाजा थोड़ा खुला था और वो उसी से इशारे से कह रहा था कि हमें हिदायत नहीं है। इतनी देर में अंदर उनको जब पता लगता है कि अध्यक्ष जी बाहर खड़े हैं, तो रॉबर्ट जी और उनका बेटा वो दोनों बाहर निकल के गए। उसके बाद देखा आपने कि अध्यक्ष जी और वेणुगोपाल जी अंदर गए। राजनीति तो आपने देख ली, अब सच्चाई भी जान लीजिए। शुरुआत में प्रियंका के अगल बगल में उनके पति और उनके बेटे बैठे। कुछ ही देर में सोनिया गांधी आई और उनके ठीक बाद मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन रूम में पहुंचे। खड़गे के पहुंचते ही प्रियंका अपनी सीट से खड़ी हो गईं और उन्हें आगे की सीट पर आने के लिए कहा। खड़गे अगली सीट पर बैठे तो कुछ ही देर में राहुल गांधी भी पहुंच गए और जहां रेहान वाड्रा बैठे थे वहां राहुल बैठ गए। सिर्फ यही नहीं, प्रियंका गांधी के पास जब एक कागज साइन करने के लिए पहुंचा तो उन्होंने पेन ना होने की बात कही और मल्लिकार्जुन खड़गे ने फौरन अपनी जेब से पेन निकालकर प्रियंका की तरफ बढ़ा दिया। हालांकि तब तक कर्मचारी अपनी कलम प्रियंका को दे चुका था।
काफी देर तक प्रियंका के बगल में बैठे रहने के बाद खड़गे सीट से खड़े हुए और सोनिया गांधी को अगली सीट पर आने के लिए आग्रह उन्होंने किया। इसके बाद सोनिया कुछ देर के लिए अगली सीट पर आईं और खड़गे पिछली सीट पर बैठ गए और उनके साथ राहुल गांधी भी पिछली सीट पर चले गए। तो सवाल ये, जब खड़गे का इतना सम्मान हुआ तो अपमान की बात कहां से आई? दरअसल नियम है, नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ सिर्फ चार लोग रह सकते हैं। शुरुआत में प्रियंका के साथ उनके पति और बेटे ही थे। कुछ देर के बाद रॉबर्ट, रेहान बाहर चले गए और सोनिया, राहुल के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच गए। भाजपा बार बार जो खड़गे जी का अपमान करती है, शायद इसलिए करती है क्योंकि खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं। हम अपने अध्यक्ष का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, और असलियत ये है, नामांकन के पहले अगर प्रियंका जी किसी एक व्यक्ति के यहाँ आशीष और मार्गदर्शन लेने गई थी तो वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे। निहायत ही झूठे लोग हैं ये लोग। वैसे बीजेपी जिस खड़गे के अपमान का कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, उनके राहुल गांधी के साथ कई वीडियो वायरल होते रहे हैं जिसमें वो खुले मंच पर खड़गे का सम्मान करते दिखाई देते हैं। कभी बोतल खोलकर ग्लास में पानी डालकर राहुल गांधी खड़गे को देते हुए दिखाई दिए तो कभी कुछ और। जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान सावधान सावधान। डर तो है, खाने को किसको डर नहीं है, डर तो रहेगा। समंदर की लहरों में दाना की दहशत वाली दहाड़ साफ सुनाई दे रही है। वो तूफान जो अब से सिर्फ कुछ घंटों के बाद ओडिशा के तट से टकराने वाला है। तूफान अभी टकराया नहीं है लेकिन उसके आने से पहले खौफ के निशान साफ नजर आने लगे हैं। ओडिशा से लेकर कर्नाटक तक कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। ओडिशा में 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। दाना जब ओडिशा के तट से टकराएगा तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। समंदर में उठती हुई ये लहरें बता रही है कि कैसे दाना धीरे धीरे तट के करीब आ रहा है। हर बीतते घंटे के साथ दाना के आने की आहट तेज होती जा रही है और समंदर से लेकर आसमान तक खौफ की लकीरें दिखने लगी हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें गुरुवार दोपहर की, यानी दाना तूफान के टकराने से करीब 10 घंटे पहले की। बावजूद इसके तूफान की आहट का असर देखिए, समंदर के किनारे हर कोने में दहशत पसरी हुई दिखाई दे रही थी। आज जमीन से टकराएगा चक्रवाती तूफान दाना और इस वक्त हम मौजूद हैं उसी जगह पर जहां पर इस तूफान के जमीन से टकराने की आशंका जताई गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ओडिशा के धामरा पोर्ट पर मौजूद है जहां दाना तूफान के दस्तक देने का अनुमान है। तस्वीरें गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे की है लेकिन देख लीजिए, हवा की रफ्तार इतनी है कि लाइव देते वक्त अंकित गुप्ता के लिए आंख खोल कर रख पाना भी मुश्किल साबित हो रहा था। बात कर रहे हैं धामरा पोर्ट की, ये वो जगह है जहाँ पर जो मौसम विभाग का अनुमान है इसी से कुछ दूरी पर या तो जो है इसके एक तरफ या दूसरी तरफ इसी का ये जो 40-50 किलोमीटर का रेडियस है इसी के बीच में कहीं पर टकराएगा ये तूफान। जैसे जैसे वो वक्त करीब आ रहा है जब तूफान जमीन से टकराएगा, मौसम भी लगातार खराब हो रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं और सिर्फ हवाएं नहीं बल्कि लगातार तेज बारिश भी हो रही है। ये हवाएं इतनी तेज हैं कि एक जगह पर खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है।
अगर हम प्रशासन के इंतजामों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो तमाम बस्तियाँ थीं, जो मछुआरों की बस्तियाँ थीं, उनको पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। और ये देखिए, ये एक झोपड़ी, इस तरीके से उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो उड़ चुका है। दाना के जमीन से टकराने के पहले ही ओडिशा के भद्रक से आई ये तस्वीर देखिए, जहाँ आसमान ऐसे बरस रहा था मानो बादल फट गया हो। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस तरह ऊंचे ऊंचे ये पेड़ हवा की रफ्तार के सामने अपने वजूद को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत स्थिति गंभीर है, रात से बारिश हो रहा है, हवा बहुत तेज चल रहा है, अभी भी मौसम बहुत खराब है, आगे देखो क्या हो रहा है मालूम नहीं है। हम लोग को डर लगता है हवा को, जैसे बहुत तेज तेज हवा चल रहा है, पेरियर टूट जा रहा है। समंदर किनारे प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि मछुआरे समंदर में ना जाएं। डे वन से हम जितने भी सागर मित्र हैं, ठीक है, हर एक ऑनर फिशरमैन को कॉल करके समझा रहे हैं, आप लोग फिशिंग नहीं जाइए, आपका जो नेट है, बोर्ड है, उसको अच्छी तरह से बांध के रखिए साइड में। और जितने भी गाँव है, फिशरमैन विलेज है, उसमें जाके हम हर सागर मित्र उनका तो अवेयरनेस कर रहे हैं फिशिंग नहीं जाने के लिए। तस्वीरें ओडिशा के पुरी की हैं, यानी भगवान जगन्नाथ की नगरी। दाना तूफान के दस्तक देने से पहले ही पुरी को खाली करा लिया गया है और पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर वापस भेजने के लिए प्रशासन दो दिन से जुटा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि हम अभी पूरी बीच में खड़े हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन से और ओडिशा प्रशासन से पूरा बीच कल रात से ही खाली करवा दिया गया है। और जैसे इधर सी फेसिंग बहुत सारे होटल हैं, उन होटल को एडवाइजरी दिया गया है कि जो सी फेसिंग रूम में रह रहा है उसको थोड़ा पीछे भेज दिया जाए। अब जैसे देख रहे हैं कि समुंदर का लहर थोड़ा तेज़ है, इधर हवा भी ज़्यादा तेज़ चल रहा है। 22 अक्टूबर को ही पुरी में नए पर्यटकों को आने से रोकने के इंतजाम शुरू हो गए थे। कहाँ से आ रहे हैं? मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश से। जी, अच्छा, मध्य प्रदेश से आ रहे। हाल कैसा है इधर का? इधर का हाल तो अभी हमको जानकारी दी है कि रात से ये सारा बंद हो जाएगा और आपको दो दिन तक ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। जितने वल्नरेबल पॉइंट्स थे डिस्ट्रिक्ट के, लो लाइंग एरियाज और सी बीच के समुद्रकुल के पास वाले जो इलाके थे, वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करके शेल्टर होम्स में रखा जा चुका है एंड सभी जगहों पे पुलिस डिप्लॉयड की गई है। साथ ही हमारा उद्देश्य है कि हम जीरो कैजुअल्टी इंश्योर करेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उच्च स्तरीय बैठक की है, जहाँ उन्होंने तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। सूखा खाद्य, बिस्किट और कुछ ORS, इस प्रकार से हमने लोगों को बांटना शुरू किया है। जो लोग इवैक्यूएट होकर आए हैं उनको भी दे रहे हैं और सरकार, राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मोहन मांझी जी, उनका पूरा सहयोग हम सबको मिल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भी लोगों के बचाव में लगे हुए हैं। हम भी सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब देख रहे हैं कि किस प्रकार बारिश इत्यादि हो रही है और सभी अपने घरों से निकल करके सुरक्षित स्थानों में जाएं और सरकार और प्रशासन जो कहे उसको माने। और अब पुरी के बीच से आई ये तस्वीर देखिए, जो तूफान से जुड़ी दहशत की पूरी कहानी बयां कर रही है। समंदर के बीच पर लाल झंडा लगा हुआ है और इस चेतावनी वाले झंडे के साथ ही रेत पर भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा तैयार की गई है, जिसमें आने वाली मुसीबत से बचाने की प्रार्थना की जा रही है। ये कलाकृति मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने तैयार की है, जिस पर लिखा है कि सबके लिए प्रार्थना करिए लेकिन घबराइए मत। हम लोग यहाँ पर आर्ट के थ्रू ये संदेश देना चाहते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी को ये प्रे कर रहे हैं कि सब लोग सुरक्षित रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सबसे बड़ा है कि डोंट पैनिक, स्टे सेफ। भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां मंदिर में भगवान को भोग तो लग रहा है लेकिन भक्तों की भीड़ कम हो चुकी है। चेतावनी के लिए समंदर के तट पर
न सिर्फ लाल झंडे लगाए गए हैं बल्कि पुरी से करीब 3,000 पर्यटकों को वापस भेज दिया गया है। दाना तूफान है, इसकी वजह से ट्रेन में पैसेंजरों में काफी दहशत थी, क्योंकि कल वो काफी लोग रास्ते में ट्रेन छोड़कर के वापस चले गए। अच्छा। और हम लोग भी आज बहुत दहशत में हैं, लेकिन अब एक एक्साइटेड हो रहे हैं कि आज हमें देखना है पास से। चक्रवाती तूफान दाना को ध्यान में रखते हुए ओडिशा के 14 जिलों में 23, 24 और 25 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 23 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 दिन की ओडिशा यात्रा को रद्द कर दिया गया है। तूफान की वजह से 300 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। डॉक्टर समेत सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। समंदर के पास रहने वाले करीब 10 लाख लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है। यात्री जो चक्रवात प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें नहीं फंसे, इसके लिए हमने ट्रेनों को टर्मिनेट किया या निरस्त किया है। वो करीब साउथ ईस्टर्न और ईस्ट कोस्ट रेलवे दोनों को मिलाकर करीब 203 ट्रेनों को ट्रेनें प्रभावित हुई है। अलावा हमारा जो स्टाफ है जो कि रिस्टोरेशन के समय में काफी मददगार साबित होता है, उनको हमने स्टेशन किया हुआ है। करीब 300 से अधिक स्टाफ जो है स्टैंड बाई पर हैं। कल रात 12 बजे से तेज हवाओं का अनुमान था, तो हमने ट्रैक की और हमारे जो वाइटल इंस्टॉलेशन हैं, ब्रिजेस वगैरह हैं, उनकी पेट्रोलिंग शुरू करा दी है। ओडिशा सरकार ने करीब 800 चक्रवात राहत शिविर तैयार किए हैं, जहां लोगों को खाना पीना मुहैया करवाया जा रहा है। बहुत तूफान है सर, पूरा हम लोग को पूरा रात को सोया नहीं, पूरा घर पर सब हमारा तूफान में सब वो अभी पैर फैर सब गिर गया सर। जैसे जैसे दाना तूफान तट से टकराने के लिए बढ़ रहा था, वैसे वैसे अलग अलग राज्यों में भारी बारिश की खबर भी आने लगी। दरअसल जब दाना तूफान तट से टकराएगा तो न सिर्फ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी बल्कि भारी से बहुत भारी बारिश होगी। अब जैसे जैसे वो वक्त नजदीक आ रहा है, हवाएं काफी तेज हो गई हैं। इस वक्त अंधेरा है तो सिर्फ सुनाई पड़ रही है तो समुद्र की आवाज, उफनते हुए समुद्र की आवाज। और जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ेगा, तट की ओर आएगा, यह आवाज और ज्यादा तेज होती जाएगी। इसी वजह से पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन की कोशिश ये है कि समुद्र तट से लोगों को अगर अभी भी कोई है तो उसको हटा दिया जाए। मीडिया से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। समुद्र की कौन सी लहर कितनी ऊंची उठेगी किसी को अंदाजा नहीं है, हवा की रफ्तार कितनी होगी। हालांकि अनुमान ये है कि करीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार जा सकती है, लेकिन कितनी होगी वो भी कोई सटीक तौर पर नहीं कह सकता। तूफान के टकराने से पहले ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो चुकी है। ये तूफान बंगाल की खाड़ी से होते हुए ओडिशा के तट की तरफ बढ़ रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि तूफान कहां से आ रहा है। ये देखिए, इस नक्शे को गौर से देखिएगा। ये जो हिस्सा आप मैप पर देख रहे हैं, बंगाल की खाड़ी और उससे सटे अंडमान सागर का वो हिस्सा है जिसके ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना, और उसके बाद ये धीरे धीरे इतना मजबूत होता गया कि इसने चक्रवाती तूफान की शक्ल ले ली और फिर पश्चिम और उत्तर पश्चिम क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगा। 21 अक्टूबर को समंदर में यह हलचल शुरू हुई थी और आज 24 अक्टूबर है, जब देर रात इस तूफान के ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में टकराने का वक्त आ चुका है। दाना तूफान जमीन से टकराने से कई किलोमीटर दूर है, बावजूद इसके 2 दिन पहले से कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश हो रही है। समंदर के रास्ते आने वाले ऐसे तूफान सिर्फ टकराने पर तबाही नहीं लाते बल्कि टकराने से पहले और टकराने के बाद तक तबाही की तैयारी करके आते हैं। दाना तूफान जब तट से टकराएगा तो समंदर में 2 मीटर से भी ऊंची लहरें उठ सकती हैं और इसीलिए ओडिशा के साथ साथ पश्चिम बंगाल की सरकार भी अलर्ट मोड पर है। आपनारा जानें, सुनामी हवार पर आमादे गवर्नमेंट जखन क्षमता आसे
আমরা অনেকগুলো কোস্টাল এরিয়াতে রিলিফ সেন্টার করে দিয়েছি, ফ্লাড রিলিফ সেন্টার, ফলে সেগুলোতে ওঠেন। প্লাস আশেপাশে যত স্কুল বিল্ডিং থাকে, নানা রকম যা কিছু অ্যাভেলেবেল থাকে, যেখানে প্রোটেক্টেড থাকবে, সেসব জায়গাগুলো করা হয়। পশ্চিম বঙ্গাল সরকার নে 9 জিলো মে স্কুলো কো বন্ধ রাখনে কে নির্দেশ জারি কিয়ে হ্যায়। চক্রবাতী তুফান সে নিপটনে কে লিয়ে মমতা সরকার নে দীঘা, তাজপুর, শঙ্করপুর অর ডায়মন্ড হারবার জেসে তটীয় পর্যটন স্থলো কে তমাম হোটলো কো বুধবার দোপহর তক খালি করা লিয়া হ্যায়। मौसम विभाग के मुताबिक इस चक्रवाती तूफान का असर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ ही झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है और इसी वजह से इन 5 राज्यों में NDRF की 56 टीमों को तैनात किया गया है। शाम में, रात में और अर्ली सवेरे के बीच में ये लैंडफॉल होने की संभावना है। इसको देखते हुए जो ओडिशा में है हमारी 20 टीमें तैनात हैं और वेस्ट बंगाल में हमारी 17 टीमें तैनात हैं। इसके अलावा लैंडफॉल का जो इफेक्ट होता है दूसरे स्टेट्स में, इंटीरियर एरियाज में, उसको देखते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में भी हमारी टीमों की तैनाती की जा रही है। पश्चिम बंगाल में पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना में बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है, जबकि कोलकाता, हावड़ा, हुगली और झारग्राम में भारी बारिश हो सकती है। कोलकाता एयरपोर्ट 24 अक्टूबर यानी गुरुवार शाम 6 बजे से 25 अक्टूबर यानी शुक्रवार सुबह 9 बजे तक बंद रहेगा। अब समझिए कि जब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी तो उसका क्या मतलब होगा। छप्पर और झोपड़ी वाले कच्चे घरों को भारी नुकसान हो सकता है, पेड़ उखड़ सकते हैं, बिजली और संचार की लाइनों को नुकसान हो सकता है, बिजली के पोल गिर सकते हैं, बारिश और तेज हवा से खड़ी फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। ABP News आपको रखे आगे।